गुड मॉर्निंग, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 8 शिव का मोर। ठीक है, इस कहानी में बताया गया है कि हम अपनी मेहनत से, अपने शिव से जो पैसा कमाते हैं वो कितना मूल्यवान होता है। अगर हमारे पास कोई धन संपदा है, ठीक है, और हम उसमें से किसी को 5-6 हज़ार दे दें तो उसका कोई मोल नहीं है। जबकि यदि हमने अपनी मेहनत से कमाए हुए 2 रुपए भी किसी को दिए हैं तो वह बहुत ही मूल्यवान होते हैं। तो चलिए आज हम इस कहानी को पढ़ते हैं। एक राज्य के राजा विद्वानों का बहुत सम्मान करते थे। वे उन्हें मौके पे मौके धन दान दिया करते थे। यानी एक राजा का क्या, विद्वानों यानी पंडित और जो लोग विद्वान होते हैं उनका बहुत सम्मान करते थे और उन्हें दान दिया कर दान देते थे। उनके राज्य में एक ऐसे विद्वान थे जिन्हें दान लेना पसंद नहीं था। उन्हें अपने पैसों से कमाए धन से ही गुजर बसर करना पसंद था। यानी उन्हें दान लेना पसंद नहीं था। जो वो अपनी मेहनत से कमाते थे वे उसमें ही गुजर बसर करना पसंद करते थे। उनकी पत्नी को हर समय यही चिंता लगी रहती थी कि यदि कभी उनके पति बीमार हो गए तो घर की जरूरतें कैसे पूरी होंगी। एक दिन उस विद्वान की पत्नी ने अपने पति से कहा, क्या कहा, देखिए, सब विद्वान राजा के पास जाकर धन लेकर आते हैं, आपके कई मित्र उसी धन से धनवान हो गए, एक आप हैं जो न राजा के पास जाते हैं और न ही अधिक धन कमाने का कोई अन्य उपाय करते हैं। विद्वान बोले, ये देखे, ये विद्वान की पत्नी विद्वान से कह रही है, ठीक है। विद्वान बोले, राजा का कोष प्रजा का है, वह राजा के पसीने की और मेहनत की कमाई नहीं है। पत्नी बोली, हमें इससे क्या, मैं चाहती हूँ कि आप राजा के पास जाए औरों की तरह आपको भी बिना धन दिए हुए नहीं लौटाएंगे। विद्वान ने अनेक बार मना किया लेकिन पत्नी ने उसकी एक ना सुनी। हार कर विद्वान को क्या हुआ, जब पत्नी ने उसकी नहीं सुनी, वो कहीं नहीं, आपको जाना है, ठीक है, तो लास्ट में वो कहाँ, राजा के पास गया। जब वे राजमहल पहुंचे तब राजा शिकार खेलने बाहर गए हुए थे। विद्वान खाली था वापस आ गए। अगले दिन पत्नी के कहने पर विद्वान फिर से राजमहल गए। तब तक राजा शिकार से नहीं लौटे थे इसलिए वे फिर वापस जाने लगे। तभी सामने से राजा आते दिखाई दिए। पास आते ही राजा बोले, क्षमा करें, आपको कल खाली हाथ लौटना पड़ा, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। विद्वान बोले, राजन मुझे जाकर ऐसे सिक्के दीजिए जो आपने अपनी मेहनत से कमाए हैं। राजा सोच में पड़ गए, मेरे कोष में धन तो अपार है, यानी बहुत धन है, पर मेरी मेहनत का तो एक भी सिक्का नहीं है। राजा हाथ जोड़कर बोले, मुझे 2 दिन का समय दो, मैं आपको अपनी मेहनत से कमाए सिक्के ही दूंगा। राजा ने क्या कहा कि मैं अब अपनी मेहनत के सिक्के ही कमाए के दूंगा, मुझे 2 दिन का समय चाहिए। विद्वान के जाने के बाद राजा धोती कुर्ता पहनकर महल से बाहर जाने लगे। यह देखकर रानी ने पूछा, महाराज आप इस तरह कहाँ जा रहे हैं। राजा ने रानी को सारी बातें
बता दी। वह बोले ठहरिए महाराज, मैं अभी आती हूँ। वह भी महंगे वस्त्र और आभूषण उतारकर साधारण सूती धोती पहनकर आ गई। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल वेश में, है ना, कुछ भी ऐसा नहीं कि वो एक है ना बड़ी लगे। चलिए महाराज, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। राजा और रानी काम की तलाश में निकल पड़े। वे दोनों मजदूरों की बस्ती में पहुंचे जहाँ मजदूर रहते थे। वहाँ कई आदमी और औरतें काम की तलाश में घरों से निकलते दिखाई दिए। रानी ने एक औरत से पूछा, क्या हमें भी काम मिल सकता है? उसने कहा, क्यों नहीं, मेरे पीछे पीछे चले आओ। राजा यानी उनके पीछे चलने लगे। वे एक अध बने मकान के पास पहुंचे, यानी मकान जो बन रहा था। उस औरत ने ठेकेदार की तरफ इशारा करते हुए समझाया, जाओ उससे काम मांग लो। राजा रानी ठेकेदार के पास गए। उसने राजा को पत्थर ढोने का काम सौंप दिया, मगर रानी को कोई काम नहीं मिल सका। ठीक है, रानी मजदूरों के बच्चों के पास बैठ गई। राजा टोकरे में पत्थर धर धर कर उठाने लगे। उनसे दो से तीसरी बार टोकरा नहीं उठाया गया, क्योंकि वो कभी मेहनत उन्होंने की ही नहीं थी, तो वो कैसे कर सकते थे, है ना। ठेकेदार की नज़र राजा पर पड़ी। वह उनके पास जाकर बोला, यह काम तुम्हारे बस का नहीं है। ये लो दो सिक्के, जाकर अपना और अपनी पत्नी का पेट भरो। राजा शर्मिंदा होकर चुपचाप दो सिक्के लेकर रानी के साथ आगे चल दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक लहलहाता खेत मिला। ये देखिए, है ना बच्चों, वहां कुछ औरतें काम कर रहे थे। रानी ने राजा से कहा, महाराज मैं भी वहां काम ढूंढती हूँ, कुछ काम मिल जाएगा। खेत पर काम करने वाली औरतों को रानी पर दया आ गई। उन्होंने उन्हें फसलों की कटाई का काम दिलवा दिया। कुछ देर काम करने के, लेकिन कुछ ही देर में वे हाँफने लगे, क्योंकि उन्हें भी आदत काम करने की नहीं थी। अब राजा ने से न कहा गया, वे रानी की मदद करने दौड़े। वहाँ रानी को मजदूरी के दो सिक्के मिले। अब उनके पास चार सिक्के हो गए, दो राजा को मिले और दो रानी को मिल गए, है ना। वे खुशी खुशी अपने महल की ओर चल पड़े। रानी बोली, ये लोग इतनी मेहनत करते हैं, तब इन्हें खाना नसीब होता है। राजा बोला, अब हम भी इनकी तरह परिश्रमी हो गए हैं। वे महल में पहुंचे, विद्वान वहां पहले से आकर बैठे हुए थे। उन्होंने राजा रानी को इस वेश में देखा तो चकित हुए। राजा ने विद्वान की ओर सिक्के बढ़ाते हुए कहा, लीजिए हमारी मेहनत की कमाई। आपने हमारी मेहनत की कमाई न मांगी होती तो हमें श्रम का मोल न पता चलता। अब हम श्रम का मोल जान गए हैं, हमें मेहनत से कमाई रोटी ही खानी चाहिए। विद्वान ने घर पहुंचकर पत्नी के हाथों पर सिक्के रखते हुए सारी बातें बताई। पत्नी की आंखें भर गईं। वह बोली, चलो इसी बहाने राजा को श्रम का मोल
चल गया है, यानी मेहनत से कमाया हुआ धन कितना मूल्यवान होता है ना बच्चों। तो हमें हमेशा अपनी मेहनत और कर करने चाहिए। तो चलिए आज आप लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे, इसकी वर्ड मीनिंग नोट करेंगे, कर इसके कोशन आंसर नोट करूँगी मैं आपको। ओके, गुड बाय।